गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा था, आज उसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरेन, थायोकी एंड पिरिडीन। सबसे पहले पायरोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो किस टाइप से होती है, ये इस प्रकार से पायरोल की स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन पर लॉन्ग चेयर है, ये लॉन्ग चेयर की जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड पर आ जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस कार्बन पर, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में यही चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। अब की बार माइनस कहाँ आ रहा है, इस कार्बन पर आ जाएगा, बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, प्लस चार्ज यहाँ पर है। नेक्स्ट ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, और इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी, माइनस यहाँ आ जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या है, प्लस है। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी है, पायरोल की है। इसी प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, अगर फ्यूरेन की संरचना देखोगे तो बिल्कुल सेम ही है, केवल फर्क ये है कि जहां पर नाइट्रोजन है उसके स्थान पर क्या है, ऑक्सीजन। ये दो लॉन्ग पेयर इसके ऊपर होते हैं, इस पर एक लॉन्ग पेयर था और इसमें कितने लॉन्ग पेयर हैं, दो लॉन्ग पेयर। आगे की संरचना प्राप्त होगी वो ये इस प्रकार से होगी, ये एक लॉन्ग पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस और ऑक्सीजन पर क्या है, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। और इससे आगे वाली स्थिति जो आएगी, इसमें ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन पर आ जाएंगे और इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी, कार्बन का तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज और बाकी जो बॉन्ड है वो ये इस प्रकार से बन रहे हैं। ये इस प्रकार से जो संरचना है वो किसकी बनी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, बिल्कुल समान ही है पायरोल के। और इसी प्रकार की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो किसकी है, थायोकिन की। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ थायोकिन, थायोकिन की अगर संरचना देखें किस प्रकार से, थायोकिन में जहां पर ऑक्सीजन था फ्यूरेन में उसके स्थान पर क्या है, सल्फर है, बाकी दो लॉन्ग पेयर एजिन रहते हैं, ऑक्सीजन के
की समान ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ से एक लॉन्ग पेयर कम हो रहा है तो प्लस चार्ज, और एक लॉन्ग पेयर एज इट इज ले जाएगा। इससे आगे की स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है ये, और सल्फर पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, और ये क्या है, लॉन्ग पेयर। बाकी ऊपर का जो बॉन्ड है वो एज इट इज है, कोई परिवर्तन नहीं है। इससे आगे का स्टेप है, इसमें क्या आएगा, ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी। बॉन्ड कहाँ बनेगा, एक तो बॉन्ड यहाँ बन रहा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है ये, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से इन तीनों की जो स्ट्रक्चर है लगभग एक समान ही है, केवल डिफरेंट जो है वो किसमें है, इस एलिमेंट में डिफरेंस है, बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और चौथा जो कंपाउंड है वो है पीरीडीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पीरीडीन। पीरीडीन में जो संरचना है उसमें थोड़ा सा अंतर है। पीरीडीन की संरचना इस प्रकार से होती है, सिक्स मेंबर रिंग है, जहां पर नाइट्रोजन पर ये इस प्रकार से क्या है, लॉन्ग पेयर है, और इस प्रकार से इसमें बॉन्ड बने हुए हैं, ये इसके ऊपर क्या उपस्थित है, लॉन्ग पेयर। अब देखो यहाँ पर तो संरचना क्या थी, नाइट्रोजन से लॉन्ग पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे थे, बॉन्ड पे जा रहे थे, और ऐसे कंडीशन में बॉन्ड पे क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इससे ऑपोजिट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, नाइट्रोजन ग्रहण करेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दो जो है बॉन्ड एज इट इज रह जाएंगे। मतलब इस ऊपर वाली संरचना का ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ तो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, रिंग पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर रिंग से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, एलिमेंट पर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तब संरचना किस प्रकार से प्राप्त होगी, ये इस टाइप की संरचना प्राप्त होगी। नाइट्रोजन पर तो ये माइनस ऑलरेडी है ही है, प्लस कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर, और बॉन्ड कहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस बॉन्ड पर, जब इस बॉन्ड पर चले जाएंगे तो संरचना इस प्रकार से बनेगी, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है ही है, बाकी बॉन्ड जो बन रहा है वो एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ है ही है, और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, और इससे आगे वाली जो संरचना प्राप्त होगी उसमें क्या होगा, ये माइनस के इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ आ जाएंगे, इस बॉन्ड पर आ जाएंगे, और इस बॉन्ड पर आ जाएगी, तो ये प्रारंभिक जो संरचना है उस प्रारंभिक संरचना के समान ही बन जाएगा। फिर ये वापस यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड है ही है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, मतलब कि चार्ज जो है प्लस माइनस हट जाएंगे दोनों, और प्रारंभिक संरचना के समान संरचना प्राप्त हो जाएगी। केवल चेंज क्या हो रहा है, इसमें बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था
स्थान पर डबल बन रहे हैं और जहां पर डबल था उसके स्थान पर क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी चारों यौगिक हैं, इन चारों यौगिकों के अंदर क्या पाई जाती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इसमें रेजोनेंस एनर्जी पाई जाती है और रेजोनेंस एनर्जी होने की वजह से इन चारों ही यौगिकों की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है तथा ये एरोमेटिक का प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।